हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉकेटिव फूडी हीना। आज हीना लेकर के आई है आप लोगों के लिए ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को हाई फ्लेम पे रखेंगे और गर्म होने पर इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम कटोरी बेसन। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग देसी घी और फ्लेम को लो कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुविधा के लिए देसी घी को मेल्ट कर लीजिएगा। और देसी घी यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ऐड करना है कि हमारा जो बेसन है वो हल्का सा उसके अंदर भीग जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं अब इसके अंदर और देसी घी ऐड नहीं करूँगी और मेरा बेसन जो है वो हल्का सा इसके अंदर भीग गया है। जब आप इसको भूनते रहेंगे तो इसमें से अपने आप ही घी निकलना शुरू हो जाएगा और ये इसका टेक्स्चर अपने आप ही स्मूथ हो जाएगा। घी और ऐड करने के लिए आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका इस तरह से स्मूथ टेक्सचर आने लगता है बेसन का, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अब आपको और देसी घी ऐड नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग लेंगे एक बाउल और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कटोरी चीनी। इसी कटोरी से मैंने बेसन नापा था, तो जितना भी आपका बेसन होगा उसकी आधी चीनी लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे आधी कटोरी पानी और इसको हम थिक होने तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हाई टू मीडियम फ्लेम कर रखी है और चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर। इलायची के पाउडर से खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज जो हमारी रेसिपी रेडी होने वाली है वो है बहुत ही डिलीशियस बेसन की बर्फी, जो कि बहुत आसानी से बन भी जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। ये मैंने ऑरेंज कलर का फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन बर्फ़ी का जो कलर है वो इससे बहुत अच्छा आता है और बहुत ही अट्रैक्टिव आता है। तो फ्रेंड्स, चाशनी का जो टेक्स्चर है वो थिक होने लगा है। तो फ्रेंड्स, बेसन भी आप देख सकते हैं कि अच्छे से भुनने लगा है और मैंने इसके अंदर दोबारा देसी घी ऐड नहीं किया है और इसका टेक्सचर अपने आप ही इतना स्मूथ हो गया था, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ज़्यादा घी ऐड नहीं करना है। और अब मैंने फ्लेम बंद कर दी है और फ्लेम बंद करने के बाद भी आपको 2 से 3 मिनट तक इसे चलाते रहना है, अदरवाइज़ ये जल सकता है। साथ ही हमारी चाशनी भी ठंडी हो चुकी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि चाशनी की थिकनेस किस तरह से मैंने रखी है। बेसिकली मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थिकनेस इतनी है कि ये अच्छे से चिपक रहा है। यहाँ पे आप इसे एक तार की चाशनी भी कह सकते हैं। अब इस चाशनी को हम धीरे धीरे हमारे बेसन के अंदर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, ये बर्फ़ी आप किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं और क्योंकि इतनी सिंपल रेसिपी है और इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पे ऑल टाइम अवेलेबल होते ही हैं, तो क्यों ना जब मीठा खाने का मन करे तब ये रेसिपी बनाई जाए। तो मैंने चाशनी इसके अंदर पूरी ऐड कर दी है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पर पकाया है और प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि प्लेट पर घी ज़रूर लगा लीजिएगा, अदरवाइज़ बर्फ़ी उसके ऊपर चिपक सकती है। और मैंने हल्के से उस पर कट की लाइन भी मार ली है ताकि ईजिली कन्वीनियंटली हमारा प्रॉपर पीस निकल सके। और अब मैं ये गार्निश कर रही हूँ थोड़े ड्राई फ्रूट से। यहाँ पे मैंने काजू बादाम और पिस्ता लिए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी बेसन की बर्फ़ी तैयार है। आप इसे इंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक